प्रजापति मंदिर हरिद्वार में है। आज आपको हम एक ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण कराएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम शिव महादेव के ससुराल दक्ष प्रजापति और उनकी पहली पत्नी के घर में हैं। महादेवेश्वर का मंदिर देखिए, देश विदेश से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। जी के आशीर्वाद से दस प्रजापति के घर पे शिव जी की पहली पति सती ने जन्म लिया था। सती जी ने बहुत सारे उपवास और यज्ञ करके शिव जी को अपने वर के स्वरूप में आपके वेद पुराण शिव जी ने उनको वरदान दिया। जो महाकाव्य यहाँ जितने भी हमारे वो हैं, उस सब में दक्ष महादेवेश्वर का जिक्र है। सती के पिता के रूप में महाराज दक्ष थे। सती हमारे शिव जी की पत्नी के रूप में स्थापित थे। यही दक्ष प्रजापति का राज्य था। शिव पुराण में जिक्र है कि एक बार वो एक यज्ञ महायज्ञ का आयोजन कर रहे होते हैं, पर उसमें अपने दामाद शिव और अपनी बेटी सती को नहीं बुलाते हैं। सती जिद करके शिव महाराज से आज्ञा लेके इस यज्ञ में आ जाती है, और वहाँ उनको शिव के प्रति अपमानजनक सब सुनने पड़ते हैं, जिससे क्रोध होकर वो अग की ज्वाला यज्ञ की ज्वाला में कूद पड़ती है और अपने आप को वहाँ जला देती है। जब यह समाचार शिव के पास पहुँचता है तो शिव महाराज अपने सबसे वीरभद्र को यहाँ भेज देते हैं। पावन माँ गंगा के दर्शन कीजिए। महावीर वीरभद्र रौद्र रूप धारण करके दक्ष प्रजापति को उनके सर को काट देते हैं। जब और सभी देवता शिव को मनाते हैं तो वहाँ यह पहुँचते हैं और दक्ष प्रजापति के कटे हुए सिर की जगह उनके सिर में एक बकरे का सिर लगा देते हैं, जिससे वो जीवित उठते हैं और अपना प्रस्ताप करते हैं। तो उनके द्वारा फिर ये यज्ञ पूरा होता है। शिव महाराज अपनी पत्नी को अपने शरीर में लाद कर पूरे विश्व के भ्रमण में निकल चलते हैं। इससे पूरी विश्व में तहिमान होता है। तो फिर देवता के कथा अनुसार विष्णु जी महाराज उनके जो माता जो सती है उनके शरीर को धीरे धीरे काटते रहते हैं। जहाँ जहाँ माता सती का कोई भी अंग गिरता है, वहाँ पर एक शक्तिपीठ की स्थापना हो जाती है। तो इसी तरह आप पाते हैं कि जितने भी शक्तिपीठ पूरे विश्व में फैले हैं, उनका जो इतिहास है उस पुराण में यहीं से उनका उद्गम है। तो ये इस लिए बहुत महत्व की जगह हो जाती है। और आप देख रहे हैं कि ये मंदिर के अंदर का दृश्य है। सावन के दिनों में यहाँ पर शिव का अपना वास होता है और यहाँ पर अभी से भी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। यहाँ निरंतर पूजा पाठ रहता है और शिव जी का दर्शन करिए।
पितरों आपको दक्ष प्रजापति के मंदिर का दर्शन कैसा लग रहा है, और यदि अभी तक आपने हमारे गोरखा इंटरनेशनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा के हमारे सभी लेटेस्ट अपडेट्स को प्राप्त कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसमें आपके हम गौरीकुंड के भी दर्शन कराएंगे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं संजय मौर्य, संपादक और अध्यक्ष गोरखा इंटरनेशनल, दक्ष प्रजापति के बाद हम गौरीकुंड आए हैं। आपको आज हम आपको पूरा ऐतिहासिक दर्शनी कराते हैं दोनों जगह का। यह है गौरीकुंड, जहाँ माँ गौरी ने सतीत्व प्राप्त किया था।